गाइस, अमूल एक फेमस डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है और इंडिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर अमूल के आइटम्स यूज ना होते हों। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी अमूल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है? ऐसा क्यों? दरअसल अमूल कोई कंपनी है ही नहीं, बल्कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां बहुत सारे किसान एक साथ आकर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और यही नहीं, अमूल जब साल 1946 में बना था तो उसका मकसद ही किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना था, और इसीलिए आज अमूल करीब 36 लाख किसानों का एक ग्रुप बन चुका है और अमूल का प्रॉफिट भी इन 36 लाख किसानों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। गाइस, अब आप ही सोचिए और बताइए कि क्या अमूल को किसी भी इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? जवाब है नहीं, क्योंकि उसके किसान ही उसके इन्वेस्टर हैं। गाइस, केजीएफ चैप्टर 2 के लिए डायरेक्टर प्रशांत नील ने शानदार कलाकारों को कास्ट किया। इसका ही नतीजा है कि केजीएफ 2 आज कोहराम मचा रही है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस फिल्म को एडिट किसी प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस बंदे ने नहीं किया है, बल्कि एक 19 साल के लड़के ने किया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, प्रशांत नील ने एक्शन से भरपूर अपने इस फिल्म के लिए किसी बड़े एडिटर को नहीं सिलेक्ट किया, बल्कि उन्होंने इस काम के लिए 19 साल के उज्जवल कुलकर्णी पर भरोसा जताया। वहीं उज्जवल भी प्रशांत नील के भरोसे पर खरे उतरे, उन्होंने ही इस फिल्म को एडिट किया है जिसे आज हर कोई पसंद कर रहा है। दोस्तों, उज्जवल ने जो काम किया उसके लिए एक लाइक तो बनता है, और उज्जवल के इस टैलेंट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।